टीवी शो अनुपमा लंबे टाइम से बना हुआ है नंबर वन। शो की कहानी होती चली जा रही है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग। वहीं हाल ही में शो को वनराज का कैरेक्टर प्ले करने वाले सुधांशु पांडे ने क्विट कर दिया है और वनराज को शो में दिखाया भी नहीं जा रहा। ऐसे में सवाल ये है कि क्या वनराज अब शो में कभी नजर नहीं आएगा। इसके अलावा वनराज की पत्नी यानी कि काव्या भी लंबे टाइम से शो से गायब है। ऐसे में आपको बता दें अब काव्या का रोल प्ले करने वाली मदालसा शर्मा ने भी शो को क्विट कर दिया है क्योंकि उन्हें स्क्रीन स्पेस नहीं मिल रहा था। वहीं अब रूपाली गांगुली ने एक पोस्ट शेयर किया है जिसे लग रहा है कि वो काव्या को अलविदा कह रही है और काव्या को बहुत याद करेंगी। दोस्तों रूपाली ने एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें कि उन्होंने लिखा है, योर ऑरा इज गॉर्जियस बिकॉज यू मेक सोल्स फील सीन हर्ड वैलिडेटेड लव्ड अंडरस्टूड एंड सपोर्टेड। इस पोस्ट को देखकर लग रहा है कि अब रूपाली ने अपनी कोस्टार मदालसा के लिए प्यारा सा नोट शेयर किया है। अब देखना होगा कि वाकई काव्या भी शो छोड़ देगी और कभी नहीं दिखेगी टीवी शो अनुपमा में। क्या लगता है आपको, कमेंट्स में बताइए और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को।